हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे गाइस। तो अभी मैं आपको शाम का वेदर दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं और मम्मी कर रहे हैं वॉक, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी थी। पता नहीं आजकल मौसम को क्या हो गया, हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम बदलता जा रहा है। और जो भी गेहूं वगैरह लोगों ने लगाई है फसल, वो काटी है, वो सारी बर्बाद ही समझो, सारे गेहूं नीचे गिर रहे हैं। तो मैं और मम्मी यहाँ थोड़ी देर बाहर थे अपने घर के पास, थोड़ी देर जा, अगर हम बात करूँ मैं तो, आप कहीं और तो हम नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन लगा है चारों तरफ। अपने घर के बाहर ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं वॉक शाम की सैर वगैरह, क्योंकि बहुत दूर जाना सेफ़ नहीं है। और इस टाइम में तो जितना अपने घर में रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा हम सभी के लिए। तो मैं शाम का थोड़ा आपको अपनी रूटीन दिखा रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है और वीडियो ज़रूर पूरा वॉच करना गाइस। तो शाम के टाइम में अभी थोड़ी देर ऊपर रूम में आई थी, वहाँ पर थोड़े कपड़े एडजस्ट करने को थे जिसके लिए मैं ऊपर आई थी। बस यहाँ पर थोड़े कपड़े एडजस्ट कर रही हूँ, और सिमिया के भी थे धोए हुए और बारिश की वजह से जल्दी उठाने पड़े, और वैसे तो सूख गए थे बट कोई कोई थे बीच में जो मैंने यहीं साइड पे रखे हुए थे। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अपने हस्बैंड के रूम में जा रही थी मैं, तो मैंने वहाँ का भी थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ वैसे उनके रूम में ज़्यादातर मैं जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ क्योंकि उनको काम रहता है, तो जिसके चक्कर में नहीं इतना ज़्यादा जाती हूँ मैं, क्योंकि उनको डिस्टर्ब करना मतलब खुद को ही प्रॉब्लम, और वो अपने काम में बिज़ी होते हैं, जब फ्री होते हैं वो खुद ही आ जाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ उनके रूम में। तो आज मैंने उनको कहा चलिए थोड़ी सी आपको भी दिखा देती हूँ, आप बिल्कुल वीडियो में नहीं आते हैं। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड बोलते हैं कि आप अपने फैमिली रिलेटिव्स को भी दिखाया करें, अपने हस्बैंड वगैरह। तो हस्बैंड तो मेरे 6 बजे तक यहीं बैठे होते हैं, उसके बाद ही नीचे आते हैं, उसके बाद सिम्मे के साथ खेलना वगैरह, खाना वगैरह होने के बाद रेस्ट करते हैं। तो काम वालों का तो अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो हम सभी को भी अच्छा है। तो उसके बाद जब मैं नीचे आई तो सिम्या करी थी गुस्सा कि मुझे दूध पीना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूध भी गर्म करने लगी, और साथ में उसको कहा मैंने तुम भी हाय कर दो, आज बड़े दिन हो गए। तो यहाँ पे सिम्या को गर्म करने के बाद, वैसे तो सुबह बॉइल करा होता है दूध, लेकिन फिर भी थोड़ा सा करना पड़ता है साथ में, बट थोड़ा सा फिर भी गर्म करना ही पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे सेल्फ के ऊपर बिठाया हुआ है अपने साथ, क्योंकि वो बहुत गुस्सा कर रही थी। और गाइस ये देखिए, आज हमने अपने घर के ही निकाले हैं आलू पोटैटो, दही वाले आलू बनाने हैं आज हमने स्पेशली, इसीलिए अपने घर के निकाले हैं। तो थोड़ा बहुत ही, अगर आपको बात बताऊँ अपने घर की जो चीज़ें निकलती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पर आज मैं दही वाले आलू बनाने वाली हूँ, इसके लिए बॉयल करने के लिए रख रही हूँ चूल्हे पर जल्दी से गैस पर, ताकि जल्दी से ये बॉयल हो जाए, उसके बाद करते हैं आगे का काम शुरू। तो आपने देखा होगा मैंने आलू डाल दिए हैं बॉईल करने के लिए, और मैं आ गई हूँ हॉल में, क्योंकि यहाँ भी सिम्या ने थोड़ा डाला है काम मुझे करने को। उसने आज अपने भरते के सारे जो भी इसकी कैप्स थी उन सभी को निकाल के यहाँ पे दुकान लगाई हुई थी, पता नहीं उसको क्या है, हर टाइम बर्थडे सेलिब्रेशन करती रहती है। तो बस ये छोटा सा क्लिप भी आप लोग इंजॉय करें। तो ये देखिए गाइस, ये दही मैंने अपने घर में लगाया है, जो हमने दूध लगाया है वहाँ से थोड़ा थोड़ा बचा के ये दूध लगाया है दही। तो अपने घर के हर चीज़ का खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बस अब इसी की थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी दही आलू, तो काफ़ी अच्छे बनेंगे, दही बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। तो ये देखिए जी, आलू मेरे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं, और अपने घर के अपने खेत के हैं ना, तो काफ़ी जल्दी से हो गए हैं मेल्ट, और बहुत इनका जो स्किन है वो भी खुद से ही निकल गई है, बहुत अच्छे से हो गए हैं ये रेडी। मैंने इनको सिर्फ 15 मिनट ही रखा था पानी में डाल के, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही घुल जाते हैं, अगर 1-2 दिन अगर स्टीम भी लगा देती मैं तब तो इनकी हालत ही ख़राब हो जाती। तो मैंने थोड़ा सा ही इनको रखा था अपने चूल्हे पे, बस अब इनको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनकी स्किन निकालने के बाद बनाऊंगी इनको, जल्दी से तड़का लगाऊंगी, उसके बाद डालूंगी दही। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आगे किस तरह से बनाया था मैंने।
ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने आलू को तड़का लगाने के लिए छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें सब कुछ, नमक, हल्दी, मसाला जो भी था सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें जल्दी से दही ऐड करूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी कैसा बना है इसका अच्छा सा फेस। यहाँ पे ये देखिए जी, सब कुछ मिक्स हो गया है, बस अब इसमें और कुछ काम करना नहीं बचा है, उसको बस थोड़ी देर बॉईल करना पड़ेगा, उसके बाद दही आलू मेरे रेडी हो जाएंगे। तो दही आलू तो एक तरफ बनने के लिए रेडी हैं और दूसरी तरफ मैं जल्दी से चपाती लगा लेती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि लेट हो गया ज़्यादा तो उसी में तंग करने लग पड़ेगी, तो जल्दी से ये काम भी फिनिश करती हूँ, उसके बाद खाने का बाद होगा बर्तन की क्लीनिंग। तो चलिए जल्दी से करती हूँ फिनिश ये काम। ओके गाइस, तो ये थी शाम की क्लीनिंग जो आपके साथ शेयर की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब टाइम है स्लीपिंग का, तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए। तब तक के लिए बाय।